सात दिन जो बैठ गया तड़िया सुबह हम छात्र के लिए और अब हम बता रहे हैं सब पर छत प्रोफेसर की नौकरी कैसे करना है विचार देखिए बीसी और आते जाते रहेंगे पर जिसके साथ कुछ गलत करेगा उसको वही भुगतना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है यही भुगतना पड़ेगा। कोई पर्सनल यहाँ नहीं आपके पर ही आए। अच्छा विश्वविद्यालय हमारे भी कहने पर ही आए पर बता दूं वाइस चांसलर साहब ने इसका गठन किया है पहले से ही आपके पास सुनने के लिए। तो यहाँ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी बात वहाँ पहुँचा देंगे सर। ठीक है सर, आप यही कह सकते हैं कि दो तीन साल हम देखेंगे चलाएंगे तो हो जाएगा तो हो जाएगा। कुछ हम लोग छात्रों के बारे में पूछना चाहते हैं सर, हम आपसे ये बोलना चाहते हैं आप लोग हमारे गुरु हैं, उसके बाद आप छात्र संघ बंद कर दिए हैं, उसके बाद छात्र परिषद कराना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं वो सब दूसरा विषय है, लेकिन विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है ना। आप विश्वविद्यालय के गुरु हैं, विभिन्न विभिन्न पदों पर बैठे हैं, आज छात्र संघ नहीं है, शिक्षक संघ है, आप लोग हैं, लेकिन आज आप लोग जवाब दीजिए कि एसआरटी का खाना बन रहा है उसमें गंदगी है। एसपीसीटी साहब खुद गवाह हैं, ये गए थे हम वहाँ पे थे, वहाँ पे गंदगी में आप खाना बनवा रहे हैं। सर ये मतलब एक बात करें, आप कैसे काम कर रहे हैं सर, इन लोग भी तो सही से नहीं कार्य कर रहे, उसके बाद आप लोगों का काम डिग्री देना है। कोई आम छात्र आपके पास अगर हॉस्टल की समस्या और तमाम समस्या लेके जा रहा है तो आप निलंबन और निष्कासन कर दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग। कुछ आम लाए हैं छात्र संघ के लिए, बहाल कराइए बहाल कराइए, आप लोग है आप लोग यही रहना है, आप ही लोग प्रोफेसर आगे भी रहेंगे, वाइस चांसलर याद रखिए आप ही रहेंगे, गैर पढ़े लोगों का संसद भवन उसमें बैठेंगे चलेगा जैसा माहौल चलता आ रहा है। इसका लेना ये मतलब वो नहीं है, अनुचित नहीं है, इसीलिए इसका एक महत्व है, ताकत के बताएंगे इसी दिनों से पेट की नसें निचोड़ करके बैठे अंदर बोलने की वो नहीं आवाज नहीं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर कि आपको छात्र परिषद से इतना प्रेम क्यों है और छात्र संघ से परहेज है, कि आखिरकार ये तो नहीं ना है कि छात्र संघ आपके जितने भी माइनस रत्न उठाने का कार्य करता है, इसका जवाब दे दीजिए। छात्र परिषद से आपको इतना प्रेम क्यों है और छात्र संघ से इतना परहेज है? छात्र संघ से कोई परहेज नहीं, पिछले तीन वर्षों में वही करा है ना, जो परिस्थितियाँ बनी उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको तय किया छात्र परिषद करवाई जाए। क्यों इस तरह की तमाम एफआईआर आते हैं थानों में, प्रयागराज के विभिन्न थानों में तमाम एफआईआर इलेक्शन के दौरान आते रहे। भैया आप थोड़ा नीचे आइए, और थोड़ा नीचे आइए, ठीक है बोलिए। सारे लड़के तो इन्वॉल्व हुए क्या कर रही है, क्या बोलती है? छात्र परिषद में भी आपके सारे लड़कों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अरे आज ये हुआ कि विद्यालय प्रशासन की तरफ से ये लोग आए हुए थे हम लोगों को अनशन से उठाने, लेकिन पूरी की पूरी तरह से इनका बेतुका वही बयान रहा कि छात्र परिषद हम कराएंगे। जो वार्ता रही वह पूरी तरह से विफल रही, सफल नहीं रही, असफल रही, और हम लोगों की यही मांगे हैं कि जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता तब तक हम लोग अपने बेटों के नशे निचोड़ करके बैठे मर जाएंगे भी तब भी नहीं खड़े होंगे, चुकी मैं बोल नहीं पा रहा। जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती हम लोग नहीं बहाल कराइए, बहाल कराइए आप लोगों की आप लोग यही रहना है, आप ही लोग प्रोफेसर आगे भी रहेंगे, वाइस चांसलर याद रखिए आप ही रहेंगे। ये मतलब वो नहीं है, अनुचित नहीं है, इसीलिए इसका एक महत्व है।